हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मायसेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के बारे में, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो लखनऊ में लोकेटेड है। चलिए जानते हैं आज इस कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या इसका कट ऑफ रहने वाला, कैसा यहाँ का पेशेंट फ्लो है, क्या यहाँ का मेस का चार्ज है और लॉन्ड्री चार्जेस क्या है यहाँ के, मतलब ढेर सारी बातों के बारे में इन डिटेल हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है गेट एडमिशन पे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये कॉलेज 2013 में स्टैब्लिश हुआ था, लगभग 9 साल हो गए हैं इस कॉलेज को मेडिकल फील्ड में अपनी पकड़ बनाए एंड काफ़ी सही चल रहा है उस हिसाब से जैसे 2013 से है। तो ये एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की गिनती में भी ये आता है। एंड लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये लखनऊ में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, यूपी मेडिकल कॉलेज के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में इसका भी एक अच्छा सा नाम है। और इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी अच्छा है, सारी आपको लेटेस्ट फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। एंड इसके हॉस्टल का अगर मैं पेशेंट फ्लो के बारे में बात करूं तो पेशेंट फ्लो भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, आपको इतना हाई नहीं देखने को मिलता, बट एक एवरेज इसका पेशेंट फ्लो यहाँ पे है। देखा जाए तो अभी 9 साल ही हुए हैं इस कॉलेज को, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टैब्लिश अच्छे से होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम इस कॉलेज की एफिलिएशन। तो यूपी के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी की एक कॉमन यूनिवर्सिटी बन चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से ये सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हो चुके हैं। तो अगर आप अभी कोई भी कॉलेज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, वो सारे अटल बिहारी यूनिवर्सिटी उनकी रहने वाली है, तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी अब कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो वो डिफरेंट डिफरेंट थी, जो यूनिवर्सिटीज़ थी अलग अलग, वो सब हट चुकी है। एंड इसकी रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करूँ तो NMC के द्वारा ही प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। तो वहाँ पे भी परेशानी वाली बात नहीं है कि ऑफिशियली तो ये अपने लिए फिट है, डन है, ठीक है। लेकिन अब आगे बात आती है हमारे मार्क्स, स्कोर, ट्यूशन फीस, बजट, तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम इस कॉलेज की कुछ ट्यूशन फीस के बारे में। तो 16 लाख पर ईयर आपकी यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलेगी, 16 लाख, ठीक है। और उसके अलावा आपको चार्जेस और भी हैं यहाँ पे, जैसे 3 लाख सिक्योरिटी फीस देखने को मिलेगी जो रिफंडेबल, आपको रिफंड हो जाएगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 85,600 आपको यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस देखने को मिलेंगे, जो कि यूपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के सेम है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्टल फीस देखने को मिलेगी, वो वेरी करती है, मतलब नॉन AC, AC। नॉन AC हॉस्टल्स की अगर आपकी फीस 1.5 लाख है तो 60,000 अब वो आप AC फीस के लिए लगा लीजिए, ठीक है। तो इसके अगर हम फर्स्ट ईयर के खर्चे के बारे में बात करें तो जो टोटल है वो 21 लाख के अप्रोक्सीमेटली चला जाता है। तो इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो पिछले साल की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी वो थी 250 इसका स्कोर गया था। एंड उसके बाद अगर सेकंड राउंड में ये बढ़ के चला गया था 283, ठीक है, सेकंड राउंड में थोड़ा बढ़ जाता है, तो 283 इसकी कट ऑफ गई थी। ये कुछ इसकी कट ऑफ है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, एक नॉर्मल एवरेज अगर स्टूडेंट भी चाहे तो वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता यार एडमिशन लेना। टोटल सीट इसमें 150 अवेलेबल है MBBS स्टूडेंट्स के लिए, और इसके अलावा इसमें आउटिंग टाइम गर्ल्स के लिए आपको 6 बजे तक का देखने को मिलता है, बॉयज़ के लिए इसमें एज सच कोई टाइमिंग देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट भी है ना भी है, आप परमिशन लेके बाहर आ जा सकते हैं ईजिली, आपके लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं देखने को उपलब्ध हो जाएंगी। कनेक्टिविटी भी इस कॉलेज की काफ़ी सही है, ठीक है, आपको अगर ट्रांसपोर्ट लेना है, आपको अगर जाना है कहीं, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ड्री चार्जेस भी इस कॉलेज के इतने हाई नहीं आपको देखने को मिलते, 15 रुपये कपड़ा, 10 रुपये कपड़ा, तो अगर इसको आप पूरा करके बनाएं तो 15-20 हज़ार यार ये भी वो ही जाता है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें इसके पेशेंट फ्लो, मैंने आपको बताया इसका एवरेज पेशेंट फ्लो है। एकोमोडेशन इसमें सिंगल स्टूडेंट का देखने को मिलता है, ये मेरे को काफ़ी स्पेशल बात लगी, इसमें आप सिंगल रूम भी ले सकते हैं, AC नॉन AC वो आपकी चॉइस है, काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम्स है, अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। और इसके अलावा हम अब बात करते हैं इसकी कुछ फैसिलिटीज़, तो देखो फैसिलिटीज़ आप सभी को पता, सब आपको बताते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इन कॉलेजेस में सिमिलर फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे यार ये तो कॉमन है, जिम आपको देखने को मिलती है, लाइब्रेरी, कैंटीन, कैफेटेरिया एंड ग्राउंड अच्छा सा खेलने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अगर हॉस्पिटल है, जैसे अच्छा सा हॉस्पिटल है, ब्लड बैंक, OPD, इमरजेंसी सर्विसेज, सारी सुविधाएं ऑलरेडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचो, सुविधाएं तो एक कम एक ज़्यादा सारे कॉलेजेस की हैं। मेन आता है कि आपका जैसे इसमें पेशेंट फ्लो आप देख लो तो वो इसका एवरेज है। एंड उसके अलावा आपको जो यहाँ पे स्पेशल आपको रहना है, हॉस्टल का देखो, आप फीस देखो आपके बजट में है या नहीं है। इस कॉलेज का जो क्लास टाइम है वो है 8 to 5 आपकी क्लासेज रहेंगी, उसके अलावा आप हॉस्टल वगैरह में बाहर घूम सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक इस वीडियो की
ऑलमोस्ट इस कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी परेशानी कहाँ आती है कि आपका एडमिशन हो ही नहीं पाता, आपने नीट के एग्जाम में कम स्कोर किया है इस वजह से आपका अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा। तो अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो आपको जरूरत है एक डायरेक्ट एडमिशन की। तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में, और आपकी हेल्प करता है आपका डायरेक्ट एडमिशन कराने में। तो अगर आपको ऐसी कुछ तकलीफ है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपना एडमिशन बुक करा सकते हैं, हमसे बातचीत करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड कोई परेशानी वाली बात है नहीं ज्यादा, आप कॉल कर लीजिए, आपको जरूरी है कॉल करना क्योंकि साल वाल खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें हमारी वीडियो को, ताकि और भी इस वीडियो का आनंद उठा पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।